शोभा, मेरे किचन शोभा ऐसे में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड आप गैस करिए, आज मैं क्या बनाने वाली हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ पॉकेट पराठा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे बनाते हैं, जो हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेंगे हम इस कटोरी से, हम एक कटोरी मैदा, कोई भी मेजरमेंट ले लीजिएगा। और उसके बाद हम लेंगे आधा कटोरी से भी कम आटा। इसे ये खाली मैदा से बनता है लेकिन वो थोड़ा चीनी हो जाता है, इसीलिए मैं इसमें थोड़ा सा आटा ऐड कर रही हूँ। डाल देंगे नमक, आधा चम्मच से भी कम हम डालेंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर जो केक में डालते हैं ना वो वाले, मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद डाल देंगे हम एक चम्मच ऑयल, इसे भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। फिर हम थोड़ा सा इसका सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। आधा कटोरी से भी कम हम थोड़ा सा इसमें दूध डाल देंगे, जिससे हमारा पराठा खस्ता और टेस्टी बने। और बाकी का जो हम ऐड करेंगे इसमें पानी। ये हमने सॉफ्ट डोसा रेडी कर लिया, अब इसको हम 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। तब तक हम अपना आगे का प्रोसेस करते हैं। हमने कुकर गर्म होने रख दिया, इसमें डाल दिया हम एक चम्मच बटर, इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा अदरक, दो तीन अदरक लहसुन की कलियां और थोड़ी सी अदरक ग्रेट की डाल दिया हमने। इसे थोड़ा सा हल्का सा फ्राई कर लिए। उसके बाद हमने गाजर बीन्स चॉप करके रखे थे उसको इसमें डाल देंगे। इसे हम थोड़ा सा सॉटे कर लें और थोड़ा सा हल्का सा नमक डाल देंगे इसमें। इसे बहुत ही हल्का सा हम पका लेंगे, इसका क्रंच बना रहे इतना ही हम पकाएंगे, ज्यादा नहीं पकाएंगे इसको। हमारी सब्जी पकती है, इधर हम आगे का ये प्रोसेस करते हैं। कढ़ाई में एक चम्मच बटर डाल दिया, थोड़ी सी डालेंगे हम ऑयल जिससे हमारा बटर जले ना। इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, डालेंगे हम थोड़ी सी अदरक लहसुन की ग्रेट की, थोड़ा सा हम रेड बेल पेपर, येलो बेल पेपर, कैप्सिकम, इसे हल्का सा सॉटे कर लेंगे हम, ज़्यादा नहीं पकाएंगे। दो हरी मिर्ची चॉप की हुई, थोड़ी सी डालेंगे हम नमक, थोड़ा सा टोफू था उसे डाल दिया, ये तो हेल्दी होता ही है। आप चाहो तो पनीर भी डाल सकते हो इसमें, चीज भी डाल सकते हो क्यूब में काट के। हम दो एक बड़ा टमाटर चॉप करके हमने डाल दिया, इसे ज़्यादा हम नहीं पीछे। हमने पका लिया, इसको हम थोड़ा सा अलग से निकाल लेंगे गार्निशिंग के लिए। अब इसमें डाल देंगे हम हल्का सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ी सी डालेंगे गरम मसाला, पका लेंगे इसे। हमारी सब्जियां भी पक गई है, इसको भी इसमें डाल देंगे, गाजर बीन्स को। सब्जी हमारी पक गई, इसमें डाल देंगे धनिया पत्ती,
फिर ज़्यादा चटपटा बनाने के लिए इसमें हम आधा नींबू का रस डाल दिए। हमारा पक गया है सब्जियाँ, अब इसमें हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, गैस को कर देंगे ऑफ। हम अपने आटा को भी देख लेते हैं, आटा हमारा अच्छा सेट हो गया। अब हम पराठा बनाते हैं। हमने चारों रोटियों को बेल लिया, अब इसको हम साइड से काट देंगे। इसके ऊपर लगा देंगे हम घी, अच्छे से हाथ से हम सारे जगह पे लगा देंगे। थोड़ा सा इसमें मैदा डस्ट कर देते हैं। चारों तरफ से हम पानी लगा देंगे। साइड में ध्यान रहे, हमें साइड में घी और मैदा डस्ट नहीं करना है, जिससे हमारा पराठा चिपकेगा नहीं। दूसरा वाला पराठा हम इसके ऊपर रख दिए। अब इसको अच्छा से साइड से हम चिपका देंगे। तरफ से नीचे से सीख गए। अब इसके ऊपर में हम बटर लगा देंगे। आप चाहे तो ऑयल से, घी से भी सेक सकते हो। इसके ऊपर भी हम बटर लगा देंगे। देखिए कितना अच्छा हमारा का टेक्सचर आया पराठा का। ऐसे ही हम दूसरा पीस भी बना लेते हैं। दूसरा पराठा सेक लिया, बस हम इसे बंद कर देंगे। अब इसका हम पॉकेट में पॉकेट बनाएंगे, बीच में से काट लेंगे हम। इसको ऐसे पॉकेट बनाएंगे, इसमें हम फिलिंग भरेंगे। दूसरा भी काट लेंगे। सारा खोल रहे थे, फिर वो आटा का था, आटा का ही बना, चारों तरफ से खोल रहा था। अब इस फिलिंग के अंदर हम थोड़ा सा मिलाएंगे टमाटो केचप और थोड़ी सी ग्रेट की हुई अदरक और थोड़ा सा प्याज। प्याज हमने बाद में डाला है ताकि प्याज के जो क्रंचीनेस है ना, उसका टेस्ट इसमें बहुत ही बढ़िया आएगा, इसीलिए मैं बाद में डाल रही हूँ। इसको चटपटा बनाने के लिए एक तरफ लगा देंगे हम चिल्ली सॉस, आप चाहे तो पिज्जा सॉस भी लगा सकते हैं, और दूसरी तरफ लगा देंगे हम थोड़ी सी ग्रीन चटनी, जिससे हमारा ये पॉकेट पराठा बहुत ही चटपटा और टेस्टी बन जाए। अब इसके अंदर हम भरेंगे फिलिंग। टिक्का मार वगैरह रखे थे, उसको हम ऊपर में डाल देंगे ताकि हमारा ये बहुत ही कलरफुल दिखे। ऐसे ही हम सारे भर लेंगे, फिर इसके बाद हम दूसरा इसमें गार्निशिंग करेंगे। हमारी ये टेम्पटिंग पॉकेट पराठा बनकर रेडी हो गया। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, जितने सुंदर उतने टेस्टी भी है। मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। डिश अच्छे लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में छोटी सी जो आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं अगले कोई नई रेसिपी में। बाय बाय, थैंक यू।